लगातार मार्च अप्रैल मई 3 महीने तक लगातार इस पर अनुसंधान हुआ है। बीच में एक पार्शियल सफलता भी मिली थी हम लोगों को कि अप्रैल में वीरू पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसने इस घटना को पार्शियल तौर पर खोल दिया था, लेकिन फिर भी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पाई थी और हम लोग पूरी घटना को नहीं उसमें समझ पाए थे। फिर अनुसंधान इसमें जारी था। अनुसंधान के क्रम में दो अपराधी हैं, राहुल पासवान जो कि चकवालधारी वैशाली का रहने वाला है और गगन राज जो कि मोहनपुर समस्तीपुर का ही रहने वाला है, इन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत पुलिस का भी इसमें सहयोग हम लोगों को मिला, उनसे हम लोग टच में थे, हमारे डिप्टी सदर टच में थे और उनका सहयोग मिला। सहयोग के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और इस घटना में जो लूट हुई थी उसी लूट का करीब करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है उसको बरामद किया गया। इन दोनों अपराधियों को सूरत से यहाँ लाया गया कोर्ट के आदेश पर और इनसे पूछताछ भी की गई। पूछताछ के क्रम में एक बरामदगी भी है, इन्होंने अब पूरी घटना को स्पष्ट कर दिया। ये जो समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जो घटना हुई थी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, ये रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में लगातार घटना करने रहने वाला एक गैंग है। इस गैंग का माफिया जो है वो गोलू पासवान जो कि कलकत्ता छोटू पासवान जो कि कलकत्ता में ही अभी जेल में बंद है, इसने कोलकाता में भी पिछले वर्ष 2023 में एक बड़ी लूट घटना की थी ज्वेलर्स के शोरूम में। और छोटू पासवान उस घटना में पकड़ा गया था लेकिन उसके अन्य साथी नहीं पकड़े गए, तो उसके साथियों के साथ मिलकर ही कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे, 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी अपराधी एक समस्तीपुर का था और अन्य 10 अपराधी वैशाली जिले के थे। वैशाली जिले के खिलावत गांव हैं, कुछ वहां के थे और विदुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग गांव हैं, वहां के रहने वाले ये लोग। इन लोगों की जो लीडरशिप थी वो छोटू पासवान और कर्मवीर नाम का एक अपराधी है जो कि दाऊदनगर खिलवत का ही रहने वाला है विदुपुर, यह भी कोलकाता ज्वेलर्स का जो लूटकांड हुआ था उसमें वॉन्टेड है अभी तक। इन लोगों से जब पूरी पूछताछ हुई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए थे और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा वहाँ ये लोग रहने लगे थे, करीब 3 से 4 लोग थे और आते जाते रहते थे उसी में, और ये 2-3 बार रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम का रेकी कर चुके थे घटना करने के पहले। रेकी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी कि कोई आर्म्ड गार्ड नहीं है और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहते, इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते, बहुत ही कैजुअल चीज़ों को ले लेते हैं और पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया 8 बजे। तो इन लोगों ने देख लिया था कि कौन सा गेट है, गूगल मैप पर भी इन लोगों ने लोकेशन देखी थी। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, इस बात का अंदाज़ा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया और गूगल लोकेशन से भी इन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये घटनास्थल पर आए थे तो जो कमियाँ थी रिलायंस ज्वेलर्स की वो इन लोगों ने अच्छे से देख ली थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया, 2 बार अटैम्प्ट लिया जब ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। 11 लोग पहले थे लेकिन इनमें से कोई आगे आ कर के घुसने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा से थे वो छोटू पासवान और कर्मवीर जो कि रिलायंस का जो इन्होंने शोरूम है कलकत्ता में भी लूटा है। पूरे देश में ये लोग अलग अलग ज्वेलर्स के शोरूम पर घटना करते रहे। 13 लोग जब अपराधी अंदर जाएंगे तो अपराधी आसपास की पान की दुकान पर अपने आप को पोजीशन कर लिए थे। एक अपराधी पटेल मैदान पर भी चला गया था और दूसरा अपराधी दाएँ बाएँ दोनों तरफ था, जो कि चूँकि इन लोगों को पता था कि 8 से 9 के बीच पुलिस गश्ती रहती तो गश्ती पर नज़र रखने के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था की थी। 5 मोटरसाइकिल और 2 4-व्हीलर का इस्तेमाल भी इसमें हुआ था। 2 4-व्हीलर थी इन लोगों का कि किसी स्थिति में अगर पुलिस इनको पकड़ती है लोकल पुलिस और घेराबंदी होती है तो 4-व्हीलर से ये लोग कैसे भागेंगे। तो इनकी पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट कर लिया गया है, इन्होंने सोना कहाँ बेचा किसके पास है वो भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अपराधी सभी अपराधियों का नाम इसमें स्पष्ट हो गया है। कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 5 लाख रुपये और कुछ सोना बरामद भी कर लिया गया। अब आगे ये अनुसंधान अभी जारी है। इस घटना में भी अपराधी ये सोच रहे थे
कि मास्क लगाए हुए हैं तो इनकी पहचान नहीं होगी, जबकि इनकी पहचान मास्क के बावजूद भी बहुत आसानी से हो गई। इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा क्योंकि गुजरात भाग गए थे और सूरत पुलिस से थोड़ा सहयोग हम लोगों को लेना पड़ा। 3 महीने तक लगातार इसमें अनुसंधान है चल रहा था और अभी भी आगे चलेगा। अब हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाकी सोना इन लोगों ने बेचा है वो भी कहाँ बेचा है, किसके पास है, हम लोगों को ज्ञात हो गया है इन लोगों से पूछताछ के क्रम में। अब उसको पकड़ने के लिए टीम को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 4 से 5 टीम बनाई जाएंगी जिनको भेजा जाएगा ताकि बाकी सभी को भी पकड़ा जाए और इनके बीच का जो सामान है, जो गोल्ड है, बाकी बचा गोल्ड भी रिकवर किया जाए। टीम को पूरा को भी मोटरसाइकिल जो इन लोगों ने जो सोना बेचा था और जो मास्क लगाया था, इनको लगता था कि मास्क से आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन इनका भी हम लोग जैसे हम लोगों ने बैंक लूट में किया था, सिमिलरली इस घटना में भी कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग इसका गेट एनालिसिस, चाल विश्लेषण टेस्ट कराएंगे। चूँकि ये अंदर आते हैं ज्वेलर्स के अंदर और इनकी पूरी चाल जो है पूरी तरह स्पष्ट हो रही है, आप लोगों ने भी कैमरा देखा है उसका, वहाँ का 7 अपराधी अंदर पूरी चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं इस तरह से घटना करते हैं। तो इनकी जो चाल है CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड थी, अब ये लोग पकड़े गए हैं, तो इनकी चाल के आधार पर ही अब ये घटनाओं का डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इनका जो चाल विश्लेषण टेस्ट है वो FSL गांधीनगर के माध्यम से फिर से कराया जाएगा ताकि इस केस में भी इन लोगों को सजा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, इसमें SHO मुफस्सिल पिंकी कुमारी, CI मुफस्सिल, DIU प्रभारी अजीत कुमार, DIU से चंद्रकेतु, इंस्पेक्टर चंद्रकेतु, सब इंस्पेक्टर में भी अमित कुमार और सिपाहियों में अखिलेश कुमार और अरविंद कुमार, इन सब लोगों ने लगातार 3 महीने तक अनुसंधान किया है और सफलता इसमें मिली। अब आगे प्रयास है कि अगले 30 दिनों के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि हम लोग अभी चुनाव में भी व्यस्त हैं, तो बड़ी संख्या में टीमों का गठन अब इसमें किया जाएगा और पूरे देश में जो हम लोगों को सूचना मिली है कि कहाँ कहाँ ये लोग हो सकते हैं, इन लोगों के पास से तो मोबाइल ही बरामद हुए हैं, उन दोनों मोबाइल में बाकी सभी अपराधियों की पूरी डिटेल, उनका जो पूरा सिस्टम है वो भी ज्ञात हो गया है, इसलिए अब इन टीमों को उन लोगों को पकड़ने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसमें एक बात और सामने आई है इन लोगों पूछताछ में, चूँकि ये लोग बड़े प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं और इनका उद्देश्य रहता है कि एक साल में 1 या 2 घटना ये लोग करते हैं, फिर देश के अन्य राज्यों में बिखर जाते हैं। और ये सिर्फ एक जगह घटना नहीं करते, इन्होंने देहरादून में भी की है, कलकत्ता में भी किया है, हैदराबाद में भी किया है, हम लोगों ने इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया था, तेलंगाना पुलिस से किया था, कलकत्ता पुलिस से किया था, देहरादून पुलिस से भी संपर्क किया था और STF से भी हम लोगों ने बिहार पुलिस की STF से भी हम लोगों ने संपर्क किया था, उन लोगों से भी अच्छा इनपुट हम लोगों को मिला था। तो ये कई राज्यों में घटनाएं करते हैं और इन्होंने जो हम लोगों को सूचना मिली है और इस पर हम लोगों को नज़र भी रखेंगे और हम लोग अन्य लोगों को बताएंगे भी, रक्षाबंधन से पहले इस गैंग के जो 2 लोग पकड़े हैं, लेकिन अन्य लोग जो भागे हुए हैं उनके द्वारा कोई और एक देश में कहीं कहाँ ये करेंगे ये भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये श्योर है इनकी प्लानिंग कुछ दस्तावेज हम लोग को मिले हैं जिसमें यह वर्णित है कि रक्षाबंधन के पहले ये लोग एक और कोई बड़ी रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ या किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ कोई ज्वेलरी शोरूम में घटना करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि 2 लोग उसमें से पकड़े गए हैं, हो सकता है इनकी प्लानिंग पोस्टपोन हो या कुछ बदलाव उसमें हो, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे पहले सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाए। इसमें जो टीम काम की है इस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा और इस टीम का पुलिस मुख्यालय भी रिकवरी के लिए इन्होंने जो अचीवमेंट किया है उसको प्रशस्ति पत्र के लिए भेजा जाएगा। तो ये टीम पुलिस के गिरफ्त में पहली बार आया क्या सर?